हेलो। हेलो। हाँ यस। हाँ, मोहम्मद बिन निजाम बोल रहे हैं। हाँ हाँ जी, आप? हाँ, मैं डॉक्टर कुशाल बोल रहा हूँ। अच्छा, हाँ डॉक्टर साहब बोलिए ना। ओके, आपका सूरज जी से बात हुआ था फोन पे, पंडित जी के साथ डिबेट करने के लिए। हाँ, तो क्या आप डिबेट करने के लिए रेडी है गे? हाँ, डिबेट मीन्स मतलब एक मेरा जो बहुत बड़ा पैगाम है, तो वो मैं पूरी नौ इंसानियत तक पहुंचाना चाहता हूँ। हाँ, नहीं, वो आपका और विषय, हर इंसान का काम रहता है अपना पैगाम वहां पहुंचाने का, मगर आपने सवाल खड़ा किया था। पंडित जी बोल रहे हैं उसका गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, मैंने आपका वीडियो भी देखा। हाँ पूरा देख लिए क्या हाँ आपने? हाँ वो देखा, वो देखा पूरा। पूरे तो जितने हाँ, भी तो वीडियो नहीं, मतलब मेरा पूरे देख हम देखो, लिए आप क्या करना चाहते हो वो हमारा सवाल नहीं है। हमारा सवाल क्या है कि पंडित जी ने जो कुरान पे और जो अल्लाह पे और इस्लाम धर्म पे जो सवाल खड़े किए हैं, समझा ना, अगर उसके उसके जवाब आपके पास है, समझा ना, अगर आपके पास कोई भी जवाब हो, या तो आप बोल रहे हैं कि भाई पंडित जी गलत बोल रहे हैं, कि इसका गलत इंटरप्रिटेशन भी किया है, तो अगर आप उनको सामने बैठ के उनको अगर आप गलत सिद्ध कर दोगे कि भाई उन्होंने जो इंटरप्रिटेशन किया है वो गलत किया है, वो सिद्ध कर दोगे, तो हार जाएंगे हम। हाँ, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैंने मतलब अपने वीडियोस बना के डाल दिए हो, तो एक बार आप मतलब उसको देख हाँ, वो तो लीजिए। ठीक है, मैंने आपका और वीडियो भी देखा। देखो, हमारा सीधा क्या, सीधी बात क्या है कि भाई जो पंडित जी ने जो जो कुरान पे सवाल खड़े किए हैं, जो अल्लाह पे सवाल खड़े किए और इस्लाम धर्म पे सवाल खड़े किए हैं, ठीक है, तो आपका मन, मैंने आपका वीडियो देखा, समझा ना, तो आपका मंतव्य क्या कहना है कि लोगों ने उसका मिसप्रिटेशन किया, यानी कि उसका जो ट्रांसलेशन किया है वो गलत किया है। आपने पूरा नहीं देखे मेरा वीडियोस? नहीं देखे आपने? हाँ, नहीं, मैंने देखा, दो तीन वीडियो देखा आपका, वो फेसबुक पे भी देखा मैंने। नहीं हाँ, तो एक अगर बार मेरा मैं सीधा मतलब सवाल है, अगर आप पंडित जी पे सुनिए सवाल खड़े कर रहे हैं, देखो आप क्या करना चाहते हो उससे हमें कोई निस्बत नहीं है, समझा ना, ना। हमको किस बात से निस्बत है। अगर आप पंडित जी जो बोल रहे हैं उसको आप गलत बोल रहे हैं कि भाई पंडित जी ने जो भी वीडियो डाले हैं और जो भी सवाल खड़े किया वो गलत है, तो उस पर ही डिबेट कर लो ना। अगर उनको आप गलत सिद्ध कर दोगे, हाँ, तो उस पर ही डिबेट हो जाए, हम वहां बैठेंगे, भाई आप यहाँ इस जगह से इसके प्रमाण के साथ आप गलत हो। हाँ, बस उस पर ही डिबेट कर दो ना, आप क्या कहना चाहते हैं, पंडित जी क्या कहना चाहते हैं, वो नहीं है। तो आप जैसे मतलब उस मेरे फेसबुक पे जाकर पूरे वीडियोस आप देखेंगे ना, हाँ, और अगर हो सके तो मतलब आप पंडित जी तक भी वो नहीं पैगाम नहीं पहुंचा वो दीजिए। पहुंचाने की बात नहीं, देखो पंडित जी सब कुछ जानते हैं, हम किसको बता सकते हैं, जो लोग जानते नहीं है, जो अज्ञानी होते हैं, समझा ना, जैसे कि मैं कम जानता हूं तो आप मेरे को ज्यादा जानकारी दे सकते हो, मगर मैं सब कुछ अगर जानता ही हूं तो आप मुझे ज्यादा जानकारी क्या दोगे, समझे ना मेरी बात। तो आपका उत्तरदायित्व तो क्या होगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको अगर आपका गलत मतलब लग रहा है, मेरी बात सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ वो अगर आपको गलत बोल रहा है तो आप मेरे को चैलेंज करो, तुम गलत बोल रहे हो, और उसको सिद्ध करो। तो सिद्ध तो मैंने कर दिया हूं, तो नहीं, वो मैं आप आपको कर यही देते, ऐसे नहीं समझा रहा चलता है ना। वैसे तो मैं भी बोल रहा हूँ कि आप गलत लिख रहे हो, मगर मेरे मित्र, हमारा क्या होता है, हमारा कर्तव्य क्या होता है कि मनुष्य है ना, मनुष्य, सिर्फ उस मनुष्य को ही दिमाग दिया है परमात्मा ने, समझा ना, तो वही सोच सकता है। कभी आपने बोला गाय और बकरी और भैंस और कुत्ते ने आपको बोला जाओ ये काम करके आओ, समझा ना, तो नहीं। दिमाग परमात्मा ने सिर्फ मनुष्य को दिया है। मनुष्य का काम क्या है, सच को जानना, सच को मानना और सच के रास्ते पे चलना, वो किसी के पास भी हो, आपके पास हो, मेरे पास हो, किसी और के पास हो, समझा तो ना। मैंने वही, हाँ हाँ, तो आपने वो सच को जैसे कैसे जानेंगे, मेरा बात यह है, कैसे जानेंगे, जो मैंने बोला वो सच है, आप बोले या सच है, कुरान में लिखा हुआ है सच है, बाइबल में लिखा हुआ है सच है, या वेद में लिखा हुआ है सच है, या पुराण में लिखा हुआ है सच है। सच तो कहीं एक जगह होगा ना, सच एक होगा। ऐसा नहीं है, हाँ, सच सच दो नहीं मतलब हो पूरी सकता, दुनिया सच में एक ही फैला होता हुआ है, है। गाय गाय ही होता है, गाय को आप घोड़ा बोलो, गधा बोलो, कुछ भी बोलो, मगर गाय तो गाय ही होता है ना। जो सच्चाई है ना, वो पूरी दुनिया में फैली हुई है। ऐसा नहीं कि मतलब पूरी दुनिया की सच्चाई किसी एक ही मजहब की किताब में आ गई, ऐसा हाँ हो हाँ ही हाँ नहीं तो मैं सकता। क्या ये बोल रहा हूँ, तो आप पॉसिबल ही उसको नहीं गलत सिद्ध करो ना, पंडित जी के सामने आओ, डिबेट करो, उनको है। गलत सिद्ध गलत करो। अभी अभी सही और गलत की बात ही नहीं हो रही ना। अपनी जो अभी बात हो रही थी, जैसे जो सच्चाई की, जैसे नहीं आपने नहीं कहा कि वो देखो किसी देखो एक ही मेरे किताब में हो मित्र, तो सकती वो है। पंडित जी जो है वो डंके की चोट पे कह रहे हैं वेद किसी ऐसा सच्चाई किसी पे आता है ही नहीं, कुरान गलत है, झूठ है, वो तो बोल ही रहे हैं अच्छा, ना, वो आपके छुपा थोड़ी पंडित जी रहे हैं। ऐसा, आपके पंडित जी ऐसा बोल रहे हैं कि दुनिया की जितनी सच्चाई है वो सिर्फ आप ही के पास है और हाँ कहीं हाँ है हाँ ही वही नहीं। बोल अच्छा, रहे हैं ना। हाँ, अगर आप उनको गलत तो सिद्ध कर दो, समझा ना, तो वो हम सब किसने लोग पे इस्लाम जीती है इस्लाम तुम्हारी सुन वेद? सुन तो लो मेरी बात मित्र, अगर आप ये जो डंके की चोट पे बोल रहे हैं वो छुप के नहीं बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि जो कुरान है वो गलत है, कलामुला है ही नहीं, इस्लाम धर्म है ही नहीं, समझा
समझा ना, और इस्लाम में मानवता है ही नहीं, मेरी बात सुनो, इसलिए तो मैं, और वेद जो है, हाँ वेद जो है, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, बाद में मैं आपको सुनूंगा, नहीं होता ना कि आप मेरी बात लो ना, मेरी बात नहीं, मेरी बात ऐसे बात, मैं तो नहीं बात करता, मेरी बात मेरी को सुनना पड़ेगा, मेरी बात सुन लो, बाद में मैं आपकी, नहीं जान दो कट कर दो, आप सुन रही नहीं, आप सबसे आधे घंटे से आगे सुना रहे हो, देखो मैं सुनने के लिए नहीं, 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 अगर आपके पास सच्चाई है और पंडित जी को अगर आप गलत सिद्ध करने के लिए रेडी है तो आ जाओ ना, बात करने का मौका दे, नहीं ऐसे बात नहीं होती मेरे मित्र, मैं तो सामने चैलेंज करो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ अभी भी नहीं सुन रहे हो आप, सुनो सुनते हो, अब नहीं मेरी बात सुन लो, मैं क्या कहना चाहता हूँ, हाँ ठीक है कर दो, अगर हिम्मत है तो सामने आओ ना, हिम्मत है पूरी दुनिया के सामने ही आओ ना, पंडित जी के सामने आओ, डिबेट करो, अगर आप पंडित जी को हरा सकते हैं, हम लोग इस्लाम स्वीकारने के लिए तैयार है, अगर आप नहीं हरा सकते और सच नहीं करते आपको वैदिक धर्म में बढ़ना पड़ेगा, उसमें बड़ी बात तो है नहीं ना, हेलो हाँ आ रहा है, आवाज आ रहा है मेरे को सही तरह, हाँ तो मेरी बात तो सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, हाँ बोलिए बोलिए, हाँ मैं क्या समझा रहा हूँ, अभी आप बीच में कुछ भी मत बोलना जब तक मैं बोलूँ, मेरे को समझाओ मत, मैंने सवाल किस लिए किया, मैंने कॉल मेरे मित्र मैंने कॉल समझाने के लिए और समझने के लिए नहीं किया, मेरी बात सुनो, हेलो नहीं आप नाटक मत करो, आवाज आ रहा है मेरे को सही तरह, हाँ तो सुनिए ना, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको आवाज आ रहा है तो आप सुन क्यों नहीं रहे हो मेरी बात, हाँ नहीं मैं सुन ही रहा हूँ ना, हेलो हेलो, हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, आप जो बोल रहे हो ना कि जो मौजूदा दौर में जो इस्लाम मजहब बनाया गया वो उसकी कोई हकीकत नहीं है, तो मैं भी वही बोल रहा हूँ, उसकी कोई हकीकत है ही नहीं ना, तो आप वही मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर से आप मेरा वीडियोस देखते ये तो आपको ये सब चीजें जो आप मुझसे अभी डिस्कस कर रहे हो तो आपको पूरी क्लियर हो जाती है, आपने मेरा वीडियो ही नहीं देखा, तो आपको मैं भी यही समझा रहा हूँ कि मौजूदा दौर में जो इस्लाम के नाम पे मजहब बनाया गया या आपने जो हिंदू के नाम पे मजहब बनाया गया या ईसाई के नाम पे जो मजहब बनाया गया, दुनिया में जितने भी मजहब आज बनाए गए हैं उसका जब इंसानी जिंदगी की शुरुआत हुई, जब लोगों ने मिलजुल कर अपनी जिंदगी शुरू की तो उस वक्त ऐसा कोई मजहब ही नहीं था, नहीं यही तो गलती है ना आपकी, मेरी मित्र यही तो मैं बोल रहा हूँ, अगर हम दोनों भाई मेरी बात सुनो, हम सामने जब बैठेंगे तो यही बात उधर निकलेगी, आप एकदम गलत बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हो, जब दुनिया बनी तब मजहब था ही नहीं, हेलो तो यही तो आपको गलती है ना, हेलो हाँ बोलिए, बोलिए, हाँ मैं क्या बोल रहा था, तो आप ना पहले पूरा मेरा वीडियोस देख लीजिए, जितने भी है फेसबुक पे एक भी वीडियोस मत छोड़ना, आप पूरा देखिए और पंडित जी तक भी वो पैगाम पहुंचा दीजिए, है ना, तो मेरा मकसद है पूरी अखंड मानव जाति पूरी इंसानियत को एक करना, जिस तरह पूरी इंसानियत जब इंसानी जिंदगी शुरू हुई तो अपनी जिंदगी कैसा मिलजुल कर रहते थे, उस समय कोई ऐसा मजहब नहीं था कि तुम अपने आप को मजहब बता रहे हो कि हम सच्चे हैं, हमारे पास किताब है, हम ये है वो है, तो उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था जो मिलजुल कर जिंदगी शुरू करे, फिर क्या हुआ उन लोगों में धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे इंसानी जिंदगी आगे बढ़ी तो आपस में दो थोड़े थोड़े फिर दुश्मनी होने लगी, लोग मतलब आपस में एक दूसरे से झगड़ने लगे, तो फिर जो समझदार इंसान था जो गौर फिकर करता था तो वो क्या था, वो फिर आया, वो अपने आप को ऐसा बताया कि मतलब मैं ईश्वर की तरफ से हूँ, मैं गॉड की तरफ से हूँ, जो ईश्वर गॉड का पैगाम लाया हो, तो तुम जो आपस में लड़ झगड़ रहे हो और जो अपने मजहब बनाए हुए हो, जो जो कुछ भी तुम कर रहे हो तो वो सच नहीं है, तो जो आता रसूल जिसे रसूल कहते हैं या हिंदी में या अवतार यानी जो ईश्वर की तरफ से आता पैगाम लेके, है ना, तो वो लोगों को फिर से एक करने की मेहनत करता कि जो पूरी अखंड पूरी इंसानियत जो थी वो पहले तो एक थी अखंड मानव जाति, तो हमें अरे मेरे मोहम्मद मेरी बात सुनो, मैंने किस लिए फोन किया आपको, पंडित जी जो बोल रहे हैं उसमें आपको कुछ गलत लग रहा है, मैं तो वही तो बता रहा हूँ आपको, जो आप नहीं नहीं आप बताओ मत, उसमें हाँ या ना में मेरे को जवाब दो, पंडित जी जो आपको बता रहे हैं उसमें आपको ऐसे लग रहा है पंडित जी गलत बोल रहे हैं, पंडित जी का जो गलत लगा बस वही कि जो कुरान को वो गलत बोल रहे हैं, हाँ तो होगा उसको ऐसे ही बोलेंगे ना, गलत लगा, हाँ ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूंगा, ठीक है इधर रुकिए 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 इधर रुकिए रुकिए मेरे मित्र रुकिए 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 सुनिए सुनिए नहीं नहीं सुनिए, बिल्कुल सच बोल रहे हैं वो, हाँ हाँ ओके, है ना, जो दूसरी किताबों से पढ़ पढ़ के बता रहे हैं कि लोगों ने ऐसा कहा ऐसा कहा, हाँ, तो वो तो बिल्कुल 100% गलत ही है, वो हाँ, सही बोल रहे हैं पंडित जी, हाँ, मगर कुरान से जो बोल रहे हैं वो सही नहीं बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं आप,
मगर जो कुरान से बोल रहे हैं वो सही नहीं बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं आप? हाँ, जो कुरान के ऊपर जो वो बोल रहे हैं ना कि कुरान में ऐसा लिखा है, तो वो ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ओके ओके, ठीक है ठीक है, तो इधर ही रुकिए। अगर आप पंडित जी ने जो बोला है, पंडित जी ने कुरान से, वो ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ इतना आप सिद्ध कर दोगे सामने बैठ के? सामने बैठ के क्या, मैंने वीडियोस बना के दे दिया उसमें? वीडियो खेलने से कुछ नहीं होता ना, सच्चाई सामने आना पड़ता है मेरे मित्र। अभी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आएंगे। अभी जो मेरा मिशन है, आप डिबेट कर रहे हो हाँ या ना, आपको सिर्फ आप अपने मुंह से ही बोले, आप मेरे मित्र अपने मुंह से ही बोले कि पंडित जी जो कुरान के बारे बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, बाकी सबके बारे में सही बोल रहे हैं 100%। तो मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि कुरान के बारे में जो पंडित जी ने गलत बोला है उसको आप गलत सिद्ध कर दोगे सामने बैठ के? मैं कर दिया हूँ, मैं कर चुका हूँ। दिया हूँ नहीं, सामने बैठेंगे तो पता चलेगा ना, ऐसे ही करने। वैसे तो मैं भी सब लोग को बताता फिरता हूँ, वीडियो बनाता फिरता हूँ, समझा ना कि भाई ये ऐसा होता है, ये ऐसे नहीं चलता है। जब सामने बैठेंगे तो पता चलेगा। एक होने वाली है तो अभी देख लेना भी वो किस तरह एक होती है। तो आप लोग जो डिबेट ही करते रह जाएंगे, लेकिन जो अल्लाह ईश्वर गॉड जिसको कबूल करेगा, जिसको एक्सेप्ट करेगा, वो पूरे एक हो जाएंगे। तो और वो आप लोग वो तो ठीक है, जो मोहम्मद साहब ने आपको सिखाया वही आप करोगे। मैं मेरा सवाल क्या है कि अगर आपने बोल रहा है कि पंडित जी ने कुरान में जो भी कहा है कुरान के बारे में वो गलत बोला है, तो आप गलत उसको सिद्ध कर दोगे क्या सामने बैठ के? मैंने सिद्ध कर दिया। नहीं, आप करोगे हाँ या ना, सामने डिबेट करोगे हाँ या ना? ना, मतलब अगर नहीं करोगे ना तो बस ना, तो झूठ मूठ का टाइम पास कर रहे हो, आते तुम भाई वीडियो बनाते रहो, तो घूमते रहो, हमें कोई मतलब नहीं। अपना मजहब का काम आप करते रहो, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करते। ठीक है ना, जैसे आप ठीक ठीक है। अगर आप डिबेट करना चाहते हो और उनको गलत सिद्ध करना चाहते हो, समझा ना, तो सामने बैठो, डिबेट करेंगे। डिबेट करने के लिए नहीं आया हूँ, मेरा जो मकसद है। मैं तो नहीं, मेरे को फोन सिर्फ डिबेट के लिए ही आया था कि भाई आप डिबेट के लिए रेडी है और पंडित जी को आप गलत सिद्ध कर दोगे। डिबेट करने का तो मकसद नहीं है मेरा, मतलब अगर से आप बोलते हो कि ठीक है, तो वैसे तो सब लोग करते रहते हैं। ठीक है, आप अपना करिए। अगर से आपका ऐसा कुछ मिशन है कि आप उनको एक होना है तो बोलिए। नहीं नहीं, ऐसा देखो देखो, एक होना संभव नहीं है। जब तक कुरान इस दुनिया में है तो एक होना संभव ही नहीं है। है, देख लेना अभी अल्लाह के। अरे अरे मेरे मित्र, देखो मैं आपको सीधा से सीधा सवाल करता हूँ कि पूरी दुनिया में मुस्लिम कितने लोग है, कितने मुस्लिम लोग हैं? 56 तो कंट्री है, 56 कंट्री बना के रखी है और एक दूसरे को काटने पे तुले हुए हैं, और आप बोल रहे हो कि एक होना है, एक होना संभव कैसे है? तुम ये मजहब को ही तो तुम बीच में ला रहे हैं ना, जब जब तुम मजहब को बीच में लाएंगे तो इसलिए तो बोला हूँ ना, आप अपने इस्लाम, पहले जो आप मेरे को बता रहे हो वो आप अपने इस्लाम वालों को बताओ कि भाई आपके अंदर जो कमियां है ना, जो जो आप गलत गलत लिखा है उसको सुधारो। मैं पूरी दुनिया को बता रहा हूँ, जितने दुनिया में मजहब है सबको बता रहा हूँ मैं, और सबको समझ नहीं आ रही है बात। सच्चाई से तो कोसों दूर हो मेरे मित्र, वेद को पढ़ाए कभी? अच्छा, देख लीजिए आप। मैं आपको एक बुक भेज रहा हूँ। आप मेरे को व्हाट्सएप पे अपने एक एड्रेस भेज दीजिए। दयानंद सरस्वती का लिखा हुआ एक सत्यार्थ प्रकाश करके पुस्तक है। हाँ, मैंने लिया, मैं उसको पढ़ता हूँ। हाँ, उसको आप पढ़िए, एक बार दो बार तीन बार उसको आप पढ़िए। अगर उसके अंदर आप अगर कुछ गलत पा रहे हैं ना, तो आप मेरे को फोन करना। तो आपका कहना ऐसा है कि मतलब सब पूरी दुनिया वाले सब छोड़ छाड़ के आपके वेद को थाम ले, आप ऐसा? हाँ, यही 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 हमारा यही यही कहना है। ठीक है, जाओ। अगर से आप इस तरीके से पूरी दुनिया को एक करना चाहते हो तो मैं तुमको चैलेंज करता हूँ। पूरी वैसे तो वो जो सिकंदर निकला था, वो सब लोग उसको सिकंदर बोल रहे थे, वो जहाँ से आया ना उसका रास्ता नक्शे में देखना, तो वो लोग बेचारे झुपड़पट्टी में रहते हुए लोग थे। अभी भी वहां जाओगे ना तो धूल उड़ रही है, इतने गरीब लोग थे, उनको मार मार के जलाया। जब यहाँ पे आया ना सिंध नदी के ऊपर, पुरु के सामने युद्ध हार के भाग गया था, तो वो भी बोल रहा था मैं पूरी दुनिया जीत लूंगा। ये बात नहीं है, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, सच एक होता है। हम लोग सच को जानने के लिए निकले हैं, तो सच सिर्फ वेद में है जो हमने पाया है। ठीक है, आप वेद को थामे रहिए, दुनिया में वो जो आप जो दावा कर रहे हो ना कि वेद आपकी है, वो मैं जो हूँ वो आपके पास कोई मीटर नहीं है। देखो मेरे मित्र, आपके पास कौन सा मीटर है आपके पास जिससे आप चेक कर दोगे भाई ये गलत और ये सही? सुनो, आप अगर से ये सिद्ध कर दूंगा कि वेद आपकी है तो तुम सिद्ध करो वेद को, अगर तुम गलत सिद्ध करो मेरे मोहम्मद, मेरे मित्र तुम इतने जानकार बन रहे हो तो हमारे सामने आओ, सामने बैठो और वेद को तुम गलत सिद्ध कर दो, तो हम इस्लाम स्वीकारने के लिए तैयार है ना, हम कहाँ बोल रहे हैं? मैंने आपको बोला क्या सही, आपको बोला क्या कि वेद में गलत लिखा है, ऐसा कुछ अभी अपनी बात हुई क्या? हाँ तो सही है, तो सही को मानो ना, वेद को मानो। हाँ तो मैं तो बोल रहा था, मैं वेद मेरी है, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, आप सुन ही नहीं रहे हो। वेद को मानते हो तो फिर कुरान को छोड़ना पड़ेगा ना, वेद और कुरान एक साथ कैसे हो गया? वेद में परमात्मा क्या बोलता है पता है आपका, दूसरा जन्म है, जब कुरान का अल्लाह क्या बोलता है, कयामत का दिन आएगा। वेद को ले लो बस, है ना? नहीं नहीं, तुम दो दो चीजें एक साथ पकड़ोगे कैसे चलेगा? सच और झूठ को ले, मेरे मित्र मेरे बात समझो, एक को पकड़ोगे दूसरे को छोड़ना पड़ेगा ना,
तुम बोल रहे हो वेद मेरा है, तुम बोल रहे हो कि वेद सब पढ़ना पड़ेगा, सब सीखना पड़ेगा, जहाँ सच्चाई है दुनिया में सब एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नहीं भाई, पूछ रहा हूँ मेरा एक सवाल, छोटा सा सवाल सुन लो मेरा। देखो मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आप बोल रहे हो वेद को मैं मानता हूँ, ठीक है, और आप बोल रहे हो कुरान को भी मैं मानता हूँ, समझा ना। हाँ, दुनिया की जितनी सवाल ज्यादा है सबको जो सच्चाई है सब एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। आप कितना पढ़े हुए, इंजीनियरिंग किए हुए है ना। हाँ हाँ ठीक है, तो मेरा सवाल ये है आपको कि वेद का परमात्मा क्या बोल रहा है कि आपके कर्म के हिसाब से आपको दूसरा जन्म मिलेगा, जब कुरान का अल्लाह क्या बोल रहा है कि कयामत का दिन आएगा और आपको जन्नत मिलेगा। तो नहीं, एक नहीं, ही परमात्मा के दो पैगाम को एक साथ आप कैसे मानोगे। वही तो मैं समझा रहा हूँ आपको, कुरान में ऐसा कहीं नहीं लिखा, ये दूसरों की किताबें पढ़ के बोल रहे हो ना आप, कुरान में लिखा हुआ है। ये सिद्ध कर दोगे तुम कि कयामत का जो दिन है वो कुरान के अंदर लिखा हुआ नहीं है, ये सिर्फ ये सिद्ध कर दोगे आप। लिखा है कयामत के माने होते हैं इंकलाब के, अरबी में इंकलाब जो आता है ना, इंकलाब क्रांति। नहीं नहीं, वो ऊपर जब जाएगा तो रसगुल्ला खाएंगे और बहुत हूरे होगी। नहीं नहीं, सब इसी दुनिया के लिए क्या होगा, जन्नत में क्या होगा, जो जो वो जो कब्र में पड़ा होगा तब वो अरबी भाषा में उससे बातें होती होगी। सब का सब कुछ बता दिया आप, जो जो बोल रहे हो ना, मैं आप वीडियो देखिए बोल रहा हूँ, तो सामने आओ ना, सामने आके डिबेट करो। जो कुरान में नहीं है तो मैं आपको अरबी भाषा जानने वाले के साथ डिबेट करवाना चाहता हूँ ना, पंडित जी के सामने बैठो और डिबेट की बात नहीं है, जब सामने बैठना है सच पता करना है। मतलब जो जो पंडित जी जो कर जो बोल रहे वो भी मैं ही बोल रहा हूँ, तो डिबेट की क्या बात है इसमें, वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो सामने आओ ना, हम मिल के काम करते हैं, उसमें क्या है, जो पंडित वही जो बोल रहे हो वही आप बोल रहे हो, तो सामने आओ और सामने बैठो और मिल के काम करते हैं ना। हाँ, तो आप उनको पंडित जी तक पैगाम पहुंचा दीजिए कि एक बार देख लीजिए बोलना मेरा क्या मकसद है। मकसद नहीं, आप मिल लीजिए, मेरी बात सुनो। देखो मेरे मित्र, इतना टाइम किसी को नहीं होता है, मैं आपको बताता हूँ। देख मैं आपका वीडियो कोई देखे वो आप वो भूल जाओ, अगर आपके विचार जो है हमारे विचार से मिलते हैं तो हम दोनों भाई साथ में बैठे, समझा ना, तो एक दूसरे को जानेंगे ना। आप एक दिन दो दिन मेरे प्यारे मित्र, से मैं अपना विचार लेके आऊंगा वो, मतलब उसको कितना टाइम लगेगा एक्सप्लेन करने को। मेरी बात सुनो, अगर आपके पास वक्त है, देख लीजिए उस वीडियो, आपके पास अगर वक्त है ना तो आप हमारे साथ आइए, आपका रहने का खाने का पीने का सारा खर्चा हमारा रहेगा। आप हमारे साथ 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना 6 महीना जब तक आप रह सकते हो, समझा ना, साथ में रहो, आपका विचार जो होता है वो आप ले होगा हमारा, समझे। अगर आप वक्त दे सकते हो आपका तो 1 महीना 2 महीना 8 दिन 3 दिन जब चाहे तो हम पंडित जी के साथ आप रहिए, उनके साथ आप घूमिए, समझा ना, उनके विचार आप ले करिए, आपका खाने का रहने का सारा खर्चा हम उठाएंगे। हाँ, अगर आपको दुनिया बदलना है तो मगर पहले सच को जानना पड़ेगा ना, सच को मानना पड़ेगा। और वो सच कैसा है कि वीडियो देखने से सच नहीं आता है, सच हम सामने जब बैठते हैं तो जो बातें करते हैं तो उसमें सवाल पैदा होता है, तो उस सवाल का जवाब हो जाता है। मैं आपका वीडियो देख रहा हूँ, उस वीडियो में मेरे को अगर सवाल खड़ा हुआ तो मैं तुरंत आपको पूछ नहीं पाता हूँ, मगर जब हम साथ में रहते हैं तो उस बात पे डिबेट होती है। कभी कभी जब चीज को मैं आधा जानता हूँ, मैं जब चीज को आधा जानता हूँ तो वो तब तक मेरे दिमाग में ऐसा रहता है वही सही है, मगर मेरे को जब पूरा ज्ञान मिलेगा तब मेरे को पता चलेगा नहीं मैं गलत था। तो आप लोग देखिए पहले, मतलब पूरा वीडियो, ज्यादा से डिबेट का वक्त आया तो वो भी करेंगे, मतलब ऐसा नहीं तो करो ना, तो उसी तरह को इसमें टाइम क्यों खराब कर रहे हो वीडियो के अंदर, अगर आपके पास टाइम और सामने बैठो और डिबेट करो। अगर आप सिर्फ आप जानना चाहते हो तो आइए पंडित जी के साथ रहिए, हम आपको जो है पूरी पूरी हमारे वेद की पूरी दुनिया दिखाएंगे, समझाएंगे आपको। कोई भी सवाल पैदा हो आप खुल के करो, रात के 12 बजे सवाल करो, हम जवाब देंगे आपको। अपने को जैसे कोई चीज खरीदना होता है तो क्या, अगर से खरीदना है तो कोई चीज अपन देखते हैं ना, अगर से खरीदना ही नहीं है तो वो तो अपन देखते ही नहीं फिर। देखो देखो मेरे मित्र, अगर से ऐसा कि मतलब हाँ मिल के कोई एक मकसद को पूरा करना है आपका, अगर से कोई ऐसी इच्छा है तो आप उसको पहले देख। नहीं, आप मेरे को दावत मत दो, हमारे पूरे, मैं बोल रहा हूँ ना, कुरान गलत है, अल्लाह परमात्मा है ही नहीं, इस्लाम धर्म गलत है, समझा ना। अगर आपको इसको सही सिद्ध करना चाहते हो तो सामने आओ और डिबेट करो। तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि जो मजहब बनाया गया है कि वो सही है, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, आप जो बोल रहे हो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ ना। तो फिर डिबेट से भागते क्यों हो, मैं ये बोल रहा हूँ, और तो साथ काम करने से क्यों भागते हो। नहीं भाग रहा हूँ, कुरान को भी सही बोल रहे हो, इधर आप वेद को भी सही बोल रहे हो, तो दोनों चीजें एक साथ कैसे होगी, मैं ये पूछ रहा हूँ आपको। होंगी होंगी, जो मतलब तो सामने आओ ना, सिद्ध करो कैसे होगी, करना चाहिए। वैसे तो जाकिर नायक भी बोल रहा है, वो फांक रहा है कि वो वेद जो है ना वो कुरान का पहली दी हुई किताब है और जो कुरान है वो लास्ट में दी हुई किताब है। उस मूर्खे राम को इतना पता ही नहीं है कि वेद का परमात्मा अलग बोल रहा है, कुरान का परमात्मा बोल रहा है। और कुरान दिया क्यों, क्योंकि उस चीज के अंदर कोई चेंज करना संभव नहीं है, और तुम बोल रहे हो कि लोगों ने उसके अंदर चेंज कर दिया,
और लोगों ने जो ट्रांसलेशन किया वो गलत किया, अगर ट्रांसलेशन गलत किया तो अल्लाह का तुरंत गलत हो गया ना। अल्लाह ने किस लिए नाजिल किया कुरान को, इसलिए नाजिल किया कि कुरान जब से बनी अब तक उसके अंदर कोई चेंजेस कर ही नहीं सकते, सिर्फ इसलिए कुरान आया था। तो तुरंत आपका अल्लाह गलत सिद्ध हो गया उधर ही। नहीं ना, कि चेंजेस कहाँ हुआ, अभी भी वैसी है कुरान। तुम ही बोल रहे हो ना, तो ट्रांसलेशन जो ट्रांसलेशन हुआ है, मैं वीडियो देखा उसमें बोल रहे हैं कि लोगों ने उसका मिस एप्लीकेशन पढ़ के फ्री बोलते हैं, दूसरों की किताबें उठा के पढ़ते हैं। नहीं नहीं, आपके वीडियो में आपने बोला ना लोगों ने उसका गलत कुरान तो सही है ना उसमें। अरे मेरे मित्र, मेरे पास कुरान है तो कुरान के अंदर जब उसका ट्रांसलेशन करोगे तो ट्रांसलेशन में तो उसका भाषांतर बदल गया ना। ट्रांसलेटर में तो कुछ भी लिख सकता है ना इंसान, अरबी का मतलब यही हुआ ना, तो कुरान के अंदर ही फेरफार हुआ। इसका मतलब यही हुआ ना, कुरान के अंदर ही फेरफार हुआ। नहीं हुआ ना कुछ भी, वही तो मैं समझा रहा हूँ, अरबी में लिखा है ना वो पूरा कुरान, अभी जैसा था पहले और अभी भी। काम करो तो जो अरबी आप जानते हो ना, तो अरबी के अंदर ही डिबेट करते हैं ना हम लोग। हाँ वो कर दिया हूँ मैंने, जो कुछ करना था पंडित जी के सामने करो ना, जब सामने सामने अपने जानने वाला जब सामने आता है ना, तो वह मित्र पता चलता है कि भाई कैसे डिबेट होता है। अज्ञानियों के सामने कुछ भी बोलते रहो उसमें क्या होता है, वैसे तो वो कई लोग बुआ डाकले बन के रहते हैं, वो पीर फकीर रहते हैं, वो झाड़ू लगाते रहते हैं पीरों का नाम लेके, समझा ना। उनके पीछे दबाने वाले और नमन करने वाले लोग मिल जाते हैं, जब सच का सामना करना होता है ना तब पता चलेगा। तो सच अगर पास है तेरे पास है तो आओ पंडित जी के सामने अपना सच सिद्ध करो, तो हम आपके हो जाएंगे। आप जो डिबेट का बोल रहे हो ना, तो उसका भी वक्त आएगा, अभी पहले मैं पंडित जी के हाँ, जितने तो सवाल है, तो कॉल करना हमको, ठीक है। सवाल का जवाब मैं पूरा दे देता हूँ पूरा वीडियोस में, जिस तरह उन्होंने वीडियोस में सवाल उठाया है और पूरी दुनिया को बताया है, तो मैं भी पहले वो तो सामने बैठने के लिए भी तैयार है ना। मैं देखो देखो, तुम खुद अपने लिए तैयार नहीं हो, तुम खुद अपने लिए तैयार नहीं हो रहे हो। मैं पंडित जी की तरफ से मैं तेरे को चैलेंज दे रहा हूँ, आज जब चाहेगा तब पंडित जी सामने बैठेंगे, तो तू खुद के काम पे भी इतना कॉन्फिडेंस तेरे को नहीं है। है कॉन्फिडेंस है तो आओ ना सामने, क्यों राह देख रहे हो, तो उसका भी वक्त आएगा, हर चीज का एक वक्त होता है। ठीक है जब वक्त है तो कॉल करना, ठीक है। हर चीज का एक वक्त होता है, ठीक है। जब वक्त है तब बताइएगा, ठीक। हाँ वही मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। जब वक्त आएगा तब कॉल करने का, आपको ऐसा लगे अभी मेरा वक्त है। पंडित जी ने जो सवाल उठाया वीडियोज में, उसका पहले पूरा मैं जवाब वीडियोज में दे देता हूँ। वीडियोज में क्यों सामने आके दो ना, वीडियो खेलना क्या, बच्चों का खेल खेल रहे हो। अच्छा तो वो भी तो बैठे बैठे बच्चे लोग हम उनको जो शिष्य है ना, उन लोगों को वो नॉलेज देते हैं। वो करे तो सही है ना, वो वीडियो बना के डाले तो वो सही है। मेरे मित्र वो आपके लिए मजा बना रहे हैं, आपको जॉब नहीं दे रहे, वो हमको सिखाने के लिए वीडियो बना रहे हैं। हम नए लोग है ना, उनको सिखाने के लिए वीडियो बना रहे हो बाबू। ठीक है तो आप अपने शिष्य को सिखाइए, ठीक है। हाँ ठीक है ना, चलो अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद।